हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए भी, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। ओके, सो गाइज, यहाँ पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग गाइज हीलिंग पोएट्रीज को सुनना चाहते हो तो आप Emperor555 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, ठीक है। लास्ट नाइट के थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के, कोशिश करते हैं देखने की। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कल रात में क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स को लेकर, लास्ट नाइट थॉट्स, ऑर्डिनरीनेस। मास्टर, अंडरस्टैंड, हीलिंग, माइजर, Going with the flow, exhaustion, thunderbolt, creativity, adventure, suppression, एंड न्यू विजन। बॉटम से है फाइटिंग। ओके, आई होप गाइज आपको सभी कार्ड्स दिख रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन कल रात में क्या सोच रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल कर आए हैं गाइज, सो आप ध्यान से पहले पूरी रीडिंग को सुनिए, उसके बाद हम लव मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन की साइड से, ठीक है। इनिशियल्स भी देखने की कोशिश करेंगे उनके। ओके, सो गाइस, कल रात में आपके पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि इनको आपके साथ इस रिश्ते पर दोबारा काम करने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा सोच रहे थे, यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस का कार्ड ये दिखा रहे हैं गाइस, कि ये ऐसा सोच रहे थे कि इनको दोबारा से इस रिश्ते पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं जो चीजें खराब हुई है वो इनके कारण हुई है, और इन्होंने ये रिश्ता खराब किया है। खुद ही ये एग्जॉस्टेड लाइफ जी रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा था कि मैं जब यहां से गया या मैंने जब ये कनेक्शन खराब किया तो मुझे ये चीज नहीं पता थी कि ये एक दिन मेरे लिए ही प्रॉब्लम बन जाएगी। कल रात में आपके पर्सन गहन अध्ययन कर रहे थे। कैसा अध्ययन कर रहे थे, मतलब खुद के बारे में सोच रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि ये लाइफ मेरी इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, इतनी एग्जॉस्टेड लाइफ हो जाएगी उस इंसान के बिना, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा था कि इस कनेक्शन पर इनको दोबारा काम करना चाहिए, क्योंकि आपके बिना इनकी जो लाइफ है ना वो इनको खुशी नहीं दे रही है। इनको ऐसा फील ही नहीं होता है कहीं पर भी जाकर कि यहां पर खुशी है। ये कितने भी लोगों के साथ हो, कितना भी लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हो, कितनी भी पार्टीज कर रहे हो, बट इनको ऐसा फील क्यों नहीं होता है कि यहां पर खुशी है या एंजॉयमेंट है, ठीक है। इनको हर जगह ही एग्जॉस्टेड ही फील होता है, ऐसा लगता है घुटन जैसी होती है। अगर ये लोगों के साथ भी होते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत घुटन हो रही है, मुझे यहां से भागना है, मुझे यहां से जाना है, खुशी फील नहीं होती है, ठीक है। कल रात में यही सोच रहे थे वो कि इस रिश्ते पर दोबारा काम किया जाए। मास्टर की एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि आपके पर्सन बहुत समझदार इंसान है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंसान में कोई कमी है, बहुत समझदार है और बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। इसकी बुद्धि भी काफी तेज है, आपके पर्सन की बुद्धि काफी तेज है और अच्छी खासी नॉलेज है इस इंसान को। लेकिन कल रात में ये सोच रहे थे कि मैंने अपनी बुद्धि का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। कल रात में आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि मैंने अपनी बुद्धि का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया और मैं खुद ही अपनी लाइफ में
टावर को लेकर आ गया। मतलब मुझे यहाँ पर ये लग रहा है गाइस, नीचे से थंडरबोल्ट की एनर्जी है। ये कल ऐसा सोच रहे थे कि जो चीजें उस समय पर जरूरत नहीं थी सोचने की, वो भी मैंने सोची। मतलब आपके पर्सन ने पास्ट में ऐसा कुछ किया है गाइस कि जैसे कभी कभी होता है ना कि हमको इतना नहीं सोचना है, इंसान बहुत दूर की सोचकर डिसीजन ले लेता है और बाद में पछताता है। ठीक है, हाल फिलहाल में उस डिसीजन की जरूरत नहीं होती क्योंकि उससे भी बेटर कुछ हो रहा होता है। ठीक है, तो रिएक्ट करने की वहां पर जरूरत नहीं होती है। आपके पर्सन ने ना दूरदृष्टि को अपनाया और बहुत दूर का सोचकर एक डिसीजन ले लिया, और वो डिसीजन आज आपके पर्सन को बहुत महंगा पड़ गया। तो कल रात को ये सोच रहे थे कि कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाना भी इंसान के लिए हानिकारक होता है, स्पेशली तब जब बात एक रिश्ते की हो, बात एक कनेक्शन की हो, क्योंकि आपके पर्सन की बुद्धि ही कहीं ना कहीं कारण बनी है उनकी लाइफ में इस टावर मूवमेंट का, उनकी लाइफ में इस एग्जॉशन का। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इनको कल रात में ये लग रहा था, कल रात में ये अपने आप से ये भी बोल रहे थे कि और लगाओ दिमाग, तुम ही तो गए थे सोचने के लिए, तुम ही तो गई थी सोचने के लिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जब जो चीजें हुई नहीं थी उन पर रिएक्ट करने की जरूरत क्या थी। सो ऐसा ही कल रात में खुद को बोल रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। तीसरा गाइस, कल रात में आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि वो इंसान तो बहुत क्रिएटिव था, अगर मैं उसको अपनी प्रॉब्लम बताता, अगर हम समझदारी से काम करते। अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे गाइस कि आपके पर्सन ऐसे सोच रहे थे कि अगर हम लोग समझदारी से काम करते तो वो इंसान बहुत क्रिएटिव था, हम लोग कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर ही लेते, अपने लिए रास्ते तो बना ही लेते। ठीक है, रास्ते तो हमें डेफिनेटली मिल जाते, लेकिन जरूरत थी समझदारी से काम करने की, एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने की, जो पास्ट में नहीं की गई। ठीक है, जो पास्ट में नहीं की गई, ऐसा लग रहा है कि भागा गया। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है कि भागा गया, इनफैक्ट भागा गया और लड़ाइयां हुई हैं। कल रात में आपके पर्सन लड़ाइयों के बारे में भी सोच रहे थे, आप दोनों के बीच में जो भी फाइट हुई है ना गाइस। ठीक है, आप अपने पर्सन पर चिल्ला रहे हो, वो आप पर चिल्ला रहे हैं, आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, तो कल रात में वो इन सारी बातों को भी सोच रहे थे कि हमारे बीच में कितना ज्यादा यहाँ पर झगड़ा हुआ है, जो भी आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, जो भी बातें आप दोनों एक दूसरे को सुनाई हैं, कल रात में वो सारी बातों को भी आपके पर्सन सोच रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई को करने की बजाय समझदारी से बैठकर बात करने की जरूरत थी और कुछ क्रिएट करने की जरूरत थी। मतलब एक रास्ता निकालने की जरूरत थी जिस रास्ते पर चलकर हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते थे। ठीक है, मतलब हुआ ये कि आप दोनों को जरूरत थी एक साथ मिलकर काम करने की, एक साथ मिलकर अंडरस्टैंडिंग बिठाने की और रास्ता निकालने की, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आप दोनों ने एक एक दिशा, अलग अलग दिशा को पकड़ा और आप लोग खुद अपनी लाइफ में टावर लेकर आए। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि टावर जो उनकी लाइफ में आया है, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी सिचुएशन बिगड़ी है, वो कहीं ना कहीं उसका कारण वो खुद ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। तो वो कल अपने आप को ही कोस रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों उससे बात नहीं की, क्यों मैंने समझदारी नहीं दिखाई। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यही दिखा रहा है गाइस, उन्हें ऐसा लग रहा था कि समझदारी दिखानी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, अगर दोनों बैठकर बात करते तो शायद चीजें सुलझ सकती थी, शायद हम लोग कोई चीज को यहाँ पर क्रिएट कर लेते, शायद कोई रास्ता मिल जाता। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर वो आपसे बात करते यहाँ पर तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेते इस सिचुएशन का, इस प्रॉब्लम का, लेकिन आप लोगों ने बैठकर बात नहीं करी, आप लोगों ने रास्ता नहीं निकाला, इनफैक्ट आप लोगों ने यहाँ पर झगड़ा किया है, लड़ाई की है, एक दूसरे को बातें सुनाई है। इस चीज पर अफसोस करते हुए आपके पर्सन कल रात में नजर आ रहे हैं गाइस। ठीक है, कल रात में गाइस ये आपकी हीलिंग को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ गाइस कि इस वक्त इनकी लाइफ में एडवेंचर्स चल रहे हैं। एडवेंचर्स का मतलब है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त अप एंड डाउन चल रहे हैं, कभी इनकी लाइफ में खुशी आती है, कभी दुख हो जाता है सडन। ठीक है, तो बहुत अप एंड डाउन से आपके पर्सन निकल रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा था कल रात कि अगर आप इनके पास होते तो इनको दो पल सुकून के मिलते। हीलिंग का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि आप जब भी अपने पर्सन से बात करते थे तो आप उनसे 500 किलोमीटर दूर से भी अगर बात क्यों ना करो, लेकिन आप अपनी एनर्जीज का फ्लो उनकी तरफ करते थे, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज से आपके पर्सन हील होते। तो कल रात वो ये भी सोच रहे थे कि इतनी उतार चढ़ाव है जिंदगी में, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, दूसरी सर के ऊपर आकर बैठ जाती है, काश वो इंसान होता मेरी लाइफ में तो आज मैं दो पल तो कम से कम सुकून के मुझे मिल जाते। इनफैक्ट आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों हर रात बात करते थे,
ठीक है, और सारे दिन की थकान आपके पर्सन की आपसे बात करके ही उतर जाती थी। जहां वो आपसे बात करते थे उन्हें ऐसा फील होता था कि दिन बन गया। ठीक है, सो कल रात को आपकी हीलिंग को भी बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि आपसे बात करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस जिनके भी पर्सन ऐसा फील करते हैं। कल रात में मैं ये देख रही हूँ गाइस कि लव भी था, ठीक है, कल रात में पछतावा भी था, कल रात में अपनी गलतियों का एहसास भी था, बहुत सारी चीजें मिक्स्ड फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये भी नजर आ रहा है गाइस कि वास्तव में आपके पर्सन एक एडवेंचरस लाइफ जी रहे हैं इस वक्त, ठीक है, जो भी उनकी लाइफ में अभी चल रहा है बहुत अप एंड डाउन है और उनको वास्तव में नीड है हीलिंग की। ठीक है, तो जब भी वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और अकेले में बैठते हैं, जैसे रात में इंसान अकेले में ही बैठता है, उस वक्त वो आपकी हीलिंग को काफी ज्यादा मिस करते हैं। तो कल रात ये आपकी हीलिंग को बहुत मिस कर रहे थे। इसके अलावा गाइज आपके पर्सन कल रात में ये भी सोच रहे थे कि क्यों मैंने उससे बहुत सारी बातें छुपाई, क्यों मैं उसके सामने हमेशा कंजूस रहा। ठीक है, कंजूस का मतलब है कि आपसे लेते गए और दिया कुछ नहीं, या फिर उतना नहीं दिया। ठीक है, इसको एक कंजूसी वाली एनर्जी तो होती है गाइस कि आप दूसरे से लेते जा रहे हो लेकिन आप बदले में उसको दे नहीं रहे हो। ठीक है, तो आप बहुत कंजूस हुए कि आपने ले तो लिया लेकिन आपने अपना कुछ नहीं दिया, आप अपने आप को पूरी तरीके से सेफ करके बैठे हो, दूसरे की एनर्जी से आप हील हो रहे हो, दूसरे की एनर्जी से आप काम कर रहे हो। ठीक है, दूसरे इंसान आपको हील कर रहा है तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, वो आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, और दूसरे को आप बदले में क्या दे रहे हो, एक सप्रेशन वाली एनर्जी। ठीक है, मतलब जहां पर वो इंसान घुटता ही चला जा रहा है, रोता ही चला जा रहा है। तो कल रात वो अपने आप से ये भी बोल रहे थे कि तुम बहुत कंजूस हो, तुम वास्तव में बहुत कंजूस हो, इसीलिए आज तुम इस तरह की जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि जब उस इंसान ने तुम्हें जो दिया था वो तुमने उसको लौटाया नहीं, कम से कम 100% नहीं लौटाया, 50% तो लौटाना चाहिए था। ठीक है, तो आपके पर्सन कल रात ये भी सोच रहे थे कि तुमने दिया क्या है उसको, सिवाय दुख के, सिवाय एक सफोकेशन के, ठीक है, सिवाय एक सप्रेस्ड लाइफ के। ठीक है, सप्रेशन की एनर्जी भी यहां पर है। तो कल रात ये भी सोच रहे थे कि उन्होंने आपको अकेला कर दिया है, आपकी लाइफ को दुखों से भर दिया है। कल रात गाइज आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि अगर उन्होंने इस तरीके से ना किया होता, अगर उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स को यहां पर एक्सप्रेस किया होता तो आज उन्हें अपनी एनर्जीज को, अपनी फीलिंग्स को यहां पर सप्रेस नहीं करना पड़ता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अपनी फीलिंग्स को यहां पर सप्रेस करते हैं, जो रियलिटी में है उसको दिखाते नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बातें यहां छुपाने की कोशिश करते हैं और उसका कारण यही है गाइस कि अब इनकी लाइफ में इन्हें ऐसा इंसान दिखाई नहीं देता जो इनकी बातों को समझे, जो इनको जिसके सामने अपने दिल को खोलें। ठीक है, इनके मन में जो दबा हुआ है, इनकी जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, वो बातें ये किसी को कहें, तो इनको ऐसा लगता है कि तुमने भी तो किसी के साथ कंजूसी दिखाई थी, तो अब लोग तुम्हारे साथ कंजूसी दिखा रहे हैं, अब तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जब तुम्हारे पास कोई सुनने वाला था तब तुमने उसकी कदर कहां की थी। कल रात में आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे, और आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे गाइस कि अब जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, जैसे हो रहा है होने दो, मुझे अब किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना, और ये कुछ नया करने के बारे में अब सोच रहे हैं गाइस। ठीक है, कल रात में इनका दिमाग ऐसे ही चल रहा था कि कुछ नया करते हैं, बहुत हो गया, घुटन वाली जिंदगी बहुत जी ली, लाइफ को एक नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक नया विजन, न्यू विजन मुझे ये दिखा रहा है गाइस कि कुछ नए तरीके से चीजों को देखने की कोशिश की जा रही है, कुछ नए तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है आपके पर्सन के द्वारा। तो हो सकता है कि कुछ बिजनेस में ट्राई करने वाले हों, या फिर कुछ बिजनेस रिलेटेड भी ये सोच रहे हों। ठीक है, और ये भी देख रही हूँ गाइस कि इनका जो नजरिया है आपको देखने का, वो भी बहुत ज्यादा बदल गया है। अगर पास्ट में इन्होंने आपको किसी भी तरीके से ब्लेम किया था, या आप पर किसी गलत तरीके का आरोप लगाया था या एलिगेशन लगाया था, तो इस बात का रिग्रेट भी आपके पर्सन को कल रात में हो रहा था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्योंकि ये गाइस खुद कंजूस रहे हैं आपके मामले में। ठीक है, आपसे लेते रहे पर आपको दे नहीं रहे थे, उतना नहीं दे रहे थे, और इन्होंने तो मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करने में कंजूसी की है। मतलब एक इंसान होता है, उसको पैसे थोड़ी ना लगते हैं, उसको सिर्फ यही तो बताना है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने दिल की भी नहीं बताता कि इसके दिल में क्या चल रहा है, अपनी फीलिंग्स को भी सप्रेस कर लेता है। तो आपके पर्सन अगर इस तरीके के इंसान है जो फीलिंग्स को भी यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करते, तो वास्तव में एक कंजूसी इंसान हुआ डेफिनेटली। तो इसी तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन कल रात में दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात गाइस ये लगी कि आपके पर्सन को ये तो लग रहा है कि
उनको आपके साथ समझदारी दिखाने की जरूरत थी उस वक्त. अगर इन्हें ये चीज रियलाइज हो रही है तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा साइन है गाइज. लेकिन मैं ये देख रही हूँ गाइज, एग्जॉशन, थंडरबोल्ट एंड सप्रेशन, ये तीनों कार्ड सिखा रहे हैं गाइज कि आपकी पर्सन की जो हालत है वो तो बहुत खराब है इस वक्त. ठीक है, वो बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि टावर मूवमेंट को झेल रहे हैं गाइज. एग्जॉस्टेड लाइफ है और सप्रेस कर रखे हैं इमोशंस को. कुछ इनिशियल्स देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के, क्या इनिशियल्स निकलते हैं, क्या साइंस निकलते हैं. यू लेटर हो सकता है आपके पर्सन का, वन नंबर हो सकता है, इल्यूमिनेट, बी लेटर हो सकता है, अप्रैल मंथ हो सकता है, आप लोग से रिलेट कर सकता है, टैटू हो सकता है आपके पर्सन के हाथ पर या फिर आपके हाथ पर, जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ए लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, वर्गो की एनर्जी है गाइस, वर्गो राशि हो सकती है, कर्ली या वेवी हेयर्स हो सकते हैं आपके आपके पर्सन के, आप लोगों की हाइट एवरेज हो सकती है आपकी आपके पर्सन की, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन या आप. यहां पर एट नंबर भी है गाइस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, लियो है और अक्टूबर मंथ है. ठीक है, अभी देखते हैं हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस, लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं. ये भी आ गया, आई लव यू फॉर ऑल दैट यू आर, ऑल दैट यू हैव बीन एंड ऑल या ऑल यू आर येट टू बी. क्या मैसेजेस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को. लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं. ओके गाइस, फर्स्ट मैसेज है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बिजी इन माय करियर, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माय एक्शंस, यू आर माय एवरीथिंग. ओके, आई वाज स्टूपिड फॉर लूजिंग यू, आई फील रिग्रेट, प्लीज अनब्लॉक मी. ठीक है, इनको वास्तव में रिग्रेट की एनर्जी मैंने बोली थी और यहां से निकल कर भी आई है. कल रात में ये अपने आप को स्टूपिड बोल रहे थे कि उन्होंने आपको खो दिया और रिग्रेट कर रहे थे, और ये भी बोल रहे थे कि अनब्लॉक कर दो. आई एम मैनिफेस्टिंग यू, मैनिफेस्ट कर रहे थे. डोंट प्रेशर मी, प्लीज गिव मी सम टाइम. कुछ लोग के पर्सन यहां पर उनसे समय भी मांग रहे हैं. हर पल तड़पते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए. वाह, यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज आई कांट बी विथ यू राइट नाउ. अभी वो बोल रहे हैं कि आपके साथ नहीं हो सकते हैं, करियर में बिजी हैं, थोड़ा सा समय लगेगा. मैं नाराज हूं तुमसे, मेरी नाराजगी की वजह तुम्हें पता है. कुछ लोग के पर्सन उनसे नाराज भी हैं भाई. आई एम स्केयर्ड टू टेक एक्शन. कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर डर भी रहे हैं एक्शन लेने से. अवर लव इज इटर्नल, अवर पाथ्स विल ऑलवेज रीयूनाइट. इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों का रियूनियन डेफिनेटली होगा. आई सी अ लिटिल पार्ट ऑफ यू इन एवरी वन आई मीट. मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं हमेशा तुम्हारी तरह ही इंसान ढूंढता हूँ. आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, यू आर माइन. ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं. लेट्स सी कुछ और मैसेजेस. तेरी कमी महसूस होती है यार, मुझसे ज्यादा तो तुम मुझे जानते हो, फिर कैसी उलझन है तुम्हें. नो आई एम नॉट ओके, आई मिस यू. जब भी तेरे सामने आते हैं खुद का चेहरा तेरी आंखों में पाते हैं. सॉन्ग है गाइस, चाह है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम. आई लव यू अलॉट, किसने कहा तुझसे दूर रह के खुश हूं मैं, मुझसे पूछ हर पल दुख में हूं मैं. यू आर इन माई सोल, तुम्हारी याद भी मेरे चेहरे पर सुकून दे जाती है. तेरी दीवानी सॉन्ग है गाइस यहाँ पर. दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते कदम रुक जाते हैं, सॉन्ग है यहाँ पर. तुम मेरी जिंदगी की आखिरी मोहब्बत हो, तुम ही हो मेरी जिंदगी, बस तुम ही हो. तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, खुद से रहा क्यों जुदा. अच्छा, ये यहाँ पर गाइस एक सॉन्ग है, तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, खुद से रहा क्यों जुदा. तेरा मेरा रिश्ता, ये सॉन्ग है गाइज, आप चाहें तो सुन सकते हैं. ओके, सो गाइज ये हैं आप लोगों के लव मैसेजेस.
गाइज आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर रीडिंग पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बताइए. वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए. एंड गाइज चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू गाइज.